हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ट्विंस वर्सेस व्हाइट सॉक्स बेसबॉल मैच के बारे में, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी टीम में किस प्लेयर को पिक करना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। साथ साथ हम बात करेंगे कि ड्रीम टीम आपको कैसे बनाकर दूँ। और दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा कि मैं आपको स्मॉल लीग टीम के ऊपर बड़े करवा रहा हूँ। दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे वीडियो को। वैसे दोस्तों, मैं वैष्णो देवी के जी के यहाँ गया हूँ, तो मुझे नेट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं होटलों में रुक कर दोस्तों वाईफाई ले रहा हूँ, या फिर मतलब रूम लिया हुआ है मैंने। लगभग दोस्तों काफ़ी महंगा पड़ रहा है फिलहाल, लेकिन वीडियो प्रोवाइड करना भी ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको बता दूँ, जो फाइनल टीम होगी आपको सिर्फ टेलीग्राम पर मिलेगी। दोस्तों, थोड़ी ऑडियो का प्रॉब्लम होगा तो माफ़ कर देना, दो चार एक साथ कल की बात हो रही है दोस्तों। उसके बाद आपको प्रॉपर अच्छे से वीडियो फिर से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, मैं बात करूँ ट्विंस के बारे में, तो ट्विंस ने दोस्तों अभी तक 113 मैच प्ले कर लिए हैं, जहाँ पर उन्होंने 60वें विन और दोस्तों 53 यानी कि 53वें हार का सामना किया है। तो काफ़ी अच्छी खासी टीम है दोस्तों। इस टीम से हम काफ़ी अच्छा खासी प्लेयर उठा सकते हैं। और दोस्तों, वही बात करूँ मैं व्हाइट सॉक्स के बारे में, यानी कि सी डब्ल्यू एस ने 102 मैच प्ले कर लिए हैं, जहाँ पर उन्होंने 63वें विन और दोस्तों शायद 46 का सामना किया है। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा सी टीम दोनों ही होने वाली है, इसलिए मैं इसमें 6 और 3 या फिर 3-6 ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला हूँ। मैं आपको 4-5 या फिर 5-4 ये कॉम्बिनेशन आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों फाइनल टीम को टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। आप याद खुद समझ सकते हैं, हम फाइनल टीम आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बात करें ड्रीम टीम के बारे में। वैसे दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बस प्लेयरों के बारे में बताऊंगा कि आपको अपनी टीम में किस प्लेयर को उठाना है। बाकी दोस्तों, फाइनल टीम सिर्फ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आइए मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। दोस्तों, काफ़ी मेहनत करो, मेरी मेहनत की प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, काफ़ी नेट स्लो है, नेट की प्रॉब्लम होने वाली है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी टीम के लिए किस ऑफील्डर, किस इनफील्डर, किस पिचर, किस कैचर, इन सभी के बारे में कि आप अपनी टीम में किसको उठाना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ऑफील्डरों के बारे में। तो मैंने पे कैपलर, एंगल और दोस्तों मैंने यहाँ पर गारिया को उठाया है। दोस्तों, गारिया का परफॉर्मेंस पिछले मैच में काफ़ी ख़राब रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, इसीलिए मैंने इनको अपनी टीम के लिए उठा लिया है। इनफील्डर के बारे में बात करूँ दोस्तों, एंडरसन आपके लिए एक ऐसी ऑप्शन होने वाली है। दोस्तों, आप इन्हें गोल्ड भी कह सकते हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि दोस्तों ये प्लेयर काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो हो सके तो अपनी टीम का कैप्टन लेकर चलिएगा। अगर आप ग्रैंडली में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कम से कम भी 3 टीमों में आप एंडरसन को कैप्टन बनाकर चल सकते हैं। पोलांको के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, पीछे इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था, लेकिन पिछले मैच का परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत खराब था। तो मेरा मानना है दोस्तों, हम इन्हें अपनी टीम के सिर्फ एज अ प्लेयर लेके ही चले। दोस्तों, एब्रियो पिछले मैच में इनका क्या ही कहना। दोस्तों, मेरा मानना है कि आप इन्हें वो कैप्टन लेके चल सकते हैं और एंडरसन को कैप्टन। दोस्तों, डोनाल्डसन के बारे में बात करूँ तो थोड़ा रिस्क होने वाले हैं, और सभी को बताएं मैं थोड़ी टर्म में रिस्क करता हूँ, और इस टीम में भी आपको 20% रिस्क देखने को मिल जाएगा। 20 से मेरा 10% बेसिक्स सक्सेसफुल हो जाता है तो हम इस टीम से विन कर जाएंगे। दोस्तों, पिचर के बारे में बात करूँ तो मैंने लीन को उठाया है। पिछले मैच में ड्रॉप थे, टीम से आउट थे, डिड नॉट प्ले कर रहे थे, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि इस मैच में खेल सकते हैं, क्योंकि ये बंदा भी काफ़ी अच्छा सी परफॉर्मेंस में है। अगर प्ले का मौका दे देगा तो हम लीन को उठाएंगे, बाकी दोस्तों किसी और प्लेयर को उठा लेंगे। बाकी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कैचर के बारे में बात करूँ, मैंने जेफर्स को अपनी टीम के लिए एज आ कैचर उठाया है। दोस्तों बात से कैप्टन और उस कैप्टन के बारे में, लेकिन उससे पहले हम टीम का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैंने इस टीम में 3 आउटफील्डर, 4 इनफील्डर, 1 पिचर, 1 कैचर को उठाया है। दोस्तों, मैंने कैप्टन एंडरसन और वाइस कैप्टन एब्रियो को बनाया है, तो इसको सेव करते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए फाइनल टीम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।